इस ब्लॉग में मैं आपको मुजफ्फरपुर से हलेश्वर स्थान की यात्रा कराऊंगा। मुजफ्फरपुर से हलेश्वरनाथ मंदिर लगभग 70 किलोमीटर उत्तर की दिशा में अवस्थित है। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आता है। यह सीतामढ़ी से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। मिथक के रूप में राजा विदेह ने पुत्र यशति यज्ञ के अवसर पर भगवान शिव के एक मंदिर की स्थापना की थी। अभी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, सीतामढ़ी हेडक्वार्टर में। और जिस तरह का पेड़ पौधा लगा हुआ है इसके रोड के दोनों तरफ, एक हरियाली और एक जंगल में जिससे प्रवेश करते हैं ना, एक ग्रीन जोन में, ग्रीन बेल्ट में, उस तरह का एहसास हो रहा है। जैसे लग रहा है कि शहर की भागम दौड़ से दूर प्रकृति के बीच में हम पास कर रहे हैं। रोड पे रंग एक अलग ही सुखद अनुभूति देता है आपको। ये सारे प्लांटेशन लग रहा है कि पहले से है या रोड बनने के बाद किए? रोड बनने के बाद किए, क्योंकि ये ज्यादा दिन के नहीं है, 4 से 5 साल का है। सखुआ और सेमर है, कदम है, कमलतास के पेड़ है, सीसम है, जो भी अच्छा लग रहा है। जैसा लगता है कि इसी हरे भरे पेड़ों के बीच में घर होता है। नहीं, हमारा घर तो ऑलरेडी जंगल में ही है। मुजफ्फरपुर का घर तो है ही जंगल, और सामने चिड़िया की चहचहाट के अलावा कुछ है भी नहीं वहाँ पर। मुजफ्फरपुर बिल्कुल आप प्रकृति की गोद में है, लोग दुनिया भाग भाग के जाते हैं, आप घर के अंदर वही बैठी है, नेचुरल ब्यूटी मजा लीजिए। चारों तरफ धान की रोपनी हो चुका है खेतों में। सबसे अच्छा है कि मौसम बहुत बढ़िया है। अच्छा, कार से बाहर निकलिए। नहीं, फिर भी लेकिन अच्छा लग रहा है। श्री हलेश्वरनाथ